मिश्रीलाल नगर चौराहा पर स्थित एक कैफे पर नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। औद्योगिक थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म पास्को व SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। कैफे में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन जागा और कोतवाली, सिविल लाइन, औद्योगिक थाना पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में चल रहे कैफे पर छापामार कार्रवाई की। यहां कई युवक युवती बैठे मिले। पुलिस को तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पुलिस कुछ संचालकों को पकड़कर थाने लेकर आई। हालांकि पुलिस ने अभी कैफे संचालकों को समझाइश दी कि वह अपने कैफे में किसी तरह का गलत काम नहीं होने देंगे। साथ ही रजिस्टर रखने, आने वाले युवक युवतियों के नाम पते लिखने और आवश्यकता होने पर आधार कार्ड लेने और संदिग्ध मिलने पर पुलिस को सूचना देने की समझाइश दी गई। साथ ही संचालकों को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कैफे संचालक को दोषी माना जाएगा। देखिए, पूरे शहर भर में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने एक मुहिम चलाई है। इसमें जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा हेतु इस तरह के जो कैफ़े खोल रखे हैं, जहां पर कैबिन बना रखे हैं या पूर्ण रूप से बंद कैबिन बना रखे हैं और वहां पर इस तरह की गतिविधियां चलती हैं, उनके ऊपर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया आज। और उस चेकिंग अभियान में ये पाया कि जहां जहां पर इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसमें ना केवल हमने मालिकों को आरोपी बनाया है बल्कि उनके ऊपर और सख्त कार्रवाई अभी की जाएगी। हमने इस चीज़ की पड़ताल की है कि किस काम के लिए उन्होंने इस जगह को लिया था, उस जगह पर क्या गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस चीज़ की पड़ताल की जाएगी कि क्यों इस तरह के बालक बालिकाओं को बिठाकर वो इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। इसी तारतम्य में हमने मालिक को आरोपी बनाया है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।